क्षेत्र के पूर्व विधायक निशिंत कुमार जैन ने हैदरगढ़ क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के जन जागरण पदयात्रा में पांच गांव में भ्रमण संबोधित करते हुए कहा कि निशिंत जैन ने ये कहा कि सांसद की गुमनामी के पोस्टर लग गए हैं, विधायिका को गांव के नाम रास्ता पता नहीं है, कैसे विकास होगा। निशिंत जैन ने कहा कि जब मैं विधायक था तो ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पर मैं दो चार बार गया नहीं हूं। उनसे कहा, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा के लोग चुनाव के दौरान धर्म की, राष्ट्र की, हिंदू मुस्लिम की बातें करते परंतु कभी विकास की बातें नहीं करते। और मैं तो कहता हूं विधायक जी और सांसद जी बता दें कि जोधपुर कहां है, तो अच्छे दिन लाएंगे, उन्होंने कहा था। खबर इंदौर से है जहां पर एयरपोर्ट पर जबलपुर पर जा रही महिला के पर्स में दो कारतूस बरामद हुए। सीआईएसएफ ने थाने में इसकी सूचना दी। महिला पर आर्म्स एक्ट का केस कर जमानत कर छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी संजय शुक्ला के अनुसार महिला का नाम एकता श्रीवास्तव है। कुछ महीने पहले उसकी शादी इंदौर के गांधीनगर इलाके में हुई। पूछताछ में एकता ने पुलिस को बताया कि जबलपुर में उसके घर पर कुछ बच्चे 8 mm कारतूस से खेल रहे थे। बच्चों के हाथ में कारतूस देखकर वह डर गई और उन्हें डांटते हुए कारतूस छीन कर पर्स में रख लिए। कल दिनांक 23 नवंबर 2021 को एयरपोर्ट सिक्योरिटी में तैनात सीआईएसएफ के एएसआई दीपक यादव द्वारा थाने पर आकर सूचना दी गई कि सुबह जो इंदौर से जबलपुर की इंडिगो की फ्लाइट है उसमें एकता श्रीवास्तव नाम की महिला ट्रेवल कर रही थी और जब सिक्योरिटी चेक में उनका हैंडबैग चेक किया गया तो उसमें 8 mm के दो जिंदा कारतूस कैरी करके ले जाते हुए पाए गए थे। लाइसेंस के बारे में पूछने पर उनके पास लाइसेंस होना नहीं पाया गया था। इस आधार पर उनकी जब्ती की जाकर थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई जिस पर से धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत एकता श्रीवास्तव के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। एकता श्रीवास्तव मूलतः जबलपुर की रहने वाली है। करीब 10 महीने पहले इनकी गांधीनगर थाना क्षेत्र में अमित सक्सेना से शादी हुई है और अभी 10 दिन पहले बाई ट्रेन ये जबलपुर से इंदौर आई थी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक और पिताश्री थोड़े रंगीले थोड़े दिल फेंक, दोनों के अलग हैं रंग पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। सदियों से सुनते आए हैं, बेटे बड़े होके अच्छी सी नौकरी करना, अच्छी सी नौकरी करना। 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 अच्छी नौकरी करना। अगर सब अच्छी नौकरी करने वाले बनेंगे तो नौकरी देगा कौन? बेटा तुम अच्छी सी नौकरी देने वाला बनना। अगर भारत को दुनिया का नंबर वन देश बनाना है तो आज हर बच्चे के अंदर एंटरप्रेन्योर माइंडसेट जगाना होगा। बिजनेस ब्लास्टर्स हमारी एक पहल है जो बच्चों को सिखा रही है कि उन्हें नौकरी ढूंढने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनना है। बिजनेस ब्लास्टर्स, छोटे बिजनेस स्टार्स, बड़े बिजनेस आइडियाज। 28 नवंबर से हर रविवार शाम 7 बजे आपके टेलीविजन पर।
देख रहे हैं की न्यूज खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर इंदौर से, जहां पर अवैध शराब की खरीदी व बिक्री करने वालों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। उसके बावजूद शहर में अवैध शराब का धंधा जोरों से चल रहा है। ताजे मामले में इंदौर की कनाड़िया पुलिस से अवैध रूप से लाए गए 14 पेटी शराब के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर की कनाड़िया पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि दो व्यक्ति शराब के साथ ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं, जिस पर पुलिस ने एक टीम गठित कर दोनों आरोपियों की घेराबंदी कर पकड़ने में सफलता हासिल की है। अवैध शराब को लेकर सूचनाएं प्राप्त हो रही थी, जिस पर थाना कनाड़िया की टीम ने एक महिंद्रा लोगान गाड़ी पकड़ी है, जिसमें 14 पेटी देसी शराब है। दो व्यक्तियों को उसमें अभी गिरफ्तार किया गया है, रवि अहिरवार और अन्ना दुराई, दोनों इंदौर के रहने वाले हैं और गाड़ी के साथ उनको पकड़ा है, आगे विवेचना की जा रही है। आदिवासी अंचल के ग्राम पौड़ी खबरिया और चैनपुर में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 90 हितग्राहियों को निशुल्क गैस कनेक्शन और राशन पर्ची प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। वहीं शासन द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा भी की गई। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष दीपक सिंह रघुवंशी ने बताया कि आदिवासी जनजाति भाइयों के लिए सरकार ने अनेक प्रकार की घोषणाएं की हैं, उनके जीवन स्तर अच्छा रहे इसके लिए भाजपा सरकार दिन रात प्रयास कर रही। खबर कांकेर से है, जहां पर छत्तीसगढ़ शासन के